नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट एड, क्या कुछ फर्स्ट एड रहता है, क्या कुछ फर्स्ट एड का जो है प्रिंसिपल रहता है, क्या कुछ स्कोप रहता है और कैसे एक नर्स को या फिर इमरजेंसी नर्स को जो है वो फर्स्ट एड से रिलेटेड जो है वो डीलिंग करनी थी, उसके बारे में जो है वो लास्ट क्लास में अपन ने पूरा का पूरा डिस्कस किया था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, फर्स्ट एड से रिलेटेड कुछ एक और चीज़ों की तरफ। नेक्स्ट वन अपने पास में एक वर्डिंग है फर्स्ट एडर, वर्ड अपने पास में फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर किसको बोलते हैं, तो वो पर्सन जो कि फर्स्ट एड को प्रोवाइड करता है उसी को अपन फर्स्ट एडर जो है वो जानते हैं। यानी कि जैसे कि एक नर्सिंग की सेवाओं को देने वाले को अपन एक स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, वैसे फर्स्ट एड देने वाले को अपन जो है क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडर। पर्सन हु इज एबल टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू विक्टिम एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट और एनी मिसहैप। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसके अंदर अगर कोई पर्सन जो है वो मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है या मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको अपन जो फर्स्ट एडर बोलते हैं। जनरली जो है वो फर्स्ट एडर देखे तो हर एक आदमी फर्स्ट एडर हो सकता है, लेकिन जिसने फर्स्ट एड के अंदर कुछ एक जो है वो स्पेसिफिक अगर कोर्स या फिर जो है वो कुछ इससे रिलेटेड डिप्लोमा कर रखा हो तो उसको अपन जो है सर्टिफाइड फर्स्ट एडर के रूप में जानते हैं। नॉर्मल फर्स्ट एड जो है वो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई भी वो प्रोटोकॉल नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपको CPR देना आता है तो आप जाकर के जो है वो CPR प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एडर जो है वो हो गया फर्स्ट एड को प्रोवाइड करने वाला। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं फर्स्ट एड किट। तो क्या कुछ फर्स्ट एड किट होता है और क्या कुछ फर्स्ट एड किट के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है, तो आपके सामने जो है वो इमेज के अंदर आपको दिख रहा है। इस प्रकार के जो अपन एक फर्स्ट एड किट का फॉर्मेशन करते हैं, जितने भी सेक्टर होते हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, हर एक सेक्टर के अंदर हर एक जगह पे जो है वो फर्स्ट एड किट का होना जो है वो कंपलसरी होता है। और सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से भी जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसको जो फर्स्ट एड को हमेशा रखना होता है। इवन आप एक बाइक या कार खरीदते हैं तो उसके अंदर भी आपको जो साथ के अंदर जो है वो एक फर्स्ट एड किट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इमरजेंसी के अंदर आपकी लाइफ सेविंग के लिए काम करेगा। अब आपको आप कहोगे बाइक कार के साथ आता है, वो बहुत ही छोटा सा होता है, यानी कि टेम्परेरी जो है वो कुछ भी अगर अपन चाहे तो जनरल सी ड्रेसिंग वगैरह से रिलेटेड उसमें जो चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती है। बात करें स्टैंडर्ड फर्स्ट एड किट में क्या होता है, तो थर्मोमीटर फर्स्ट वन आपको जो इसमें देखने को मिलेगा, थर्मोमीटर, एडेसिव ड्रेसिंग, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक वाइप्स, बैंडेज, कॉटन बॉल्स, स्वाब्स, इमरजेंसी ब्लैंकेट्स, आई वॉश, गॉज, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, आइस पैक, सलाइन, टिशू, ट्वीजर्स और लिपलेट गिविंग फर्स्ट एड गाइडेंस। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पूरे के पूरे फर्स्ट एड के अंदर होनी चाहिए। जो भी आज स्लाइड चल रही है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरी थी कि किस प्रकार से डाउनलोड करें कैसे करें, तो आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने जो पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी और उसको आप जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। हो सकता है अभी आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो है बहुत ही माइनर सा लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने में दिक्कत हो, तो ये स्लाइड जो है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी और आप जब चाहो तब आप इस स्लाइड को जो है वो पढ़ सकते हो। तो ये कुछ एक जनरल सी चीजें होती है जिनको अपन जो है वो फर्स्ट एड किट के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अपना थर्मामीटर हो गया, ये आपका थर्मामीटर है, बैंडेज है, क्रेप बैंडेज है, सेवलॉन है, बैंडेड है, ये भी बैंडेड है, स्वाब वगैरह है। तो ये कुछ एक जनरल सी चीजें जो है वो आपको फर्स्ट एड किट के अंदर जो है वो मेंटेन करके रखनी होती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एडर एंड फर्स्ट किट के बारे में। अब जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें अपने को कब चाहिएगी, तो ये तब चाहिएगी जब आप किसी प्रकार का जो है वो प्रोसीजर करने जा रहे हो या फिर जो है वो इंटरवेंशन करने जा रहे हो। किसी पेशेंट के अंदर जो है वो चोट आई है, कोई वुंड का फॉर्मेशन हुआ है या फिर किस प्रकार से चोट आई है, उन सब से रिलेटेड अपन जो है वो बात करेंगे। तो आइए क्या क्या जो है वो हो सकता है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो बात करेंगे अपन वुंड हीलिंग की, कि किस प्रकार से जो वुंड होता है और किस प्रकार से वुंड हीलिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है, इसके बारे में पूरा का पूरा अपन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वुंड के बारे में अपन जो पूरी की पूरी यहाँ पे जो बात करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। याद रखिएगा कि एक माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और नर्सिंग को मिला करके वुंड हीलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आपको जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो नॉर्थ सेट का एग्जाम हो या फिर चाहे वो आपका
यूपीपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसके अंदर जो आपको 101% एक जो है वो वुंड हीलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो सिंपल सा टॉपिक है 10 मिनट का, और 10 मिनट के अंदर अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका एक क्वेश्चन जो है सही होने के 100% जो है वो चांस रह जाएंगे। सबसे खास यह है कि अपन जो AI टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं अपन, उसको यूज करते हुए आज जो है वो आप अपन वुंड हीलिंग को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आगे से आप जो कभी भी उसको भूलो नहीं। तो क्या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपन नर्सिंग के अंदर यूज में ले सकते हैं, नर्सिंग सेक्टर के अंदर जो पहली बार जो आप इस प्रकार का कोई भी यूज देखने को आपको मिलेगा, तो क्या कुछ रहेगा उसके बारे में जो अपन पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं वुंड हीलिंग की। तो पहले बात करें कि वुंड होता क्या है, वुंड हीलिंग से रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो वुंड क्या होता है, तो सेपरेशन और डिसकंटिन्यूटी, या तो सेपरेशन हो जाए या फिर डिसकंटिन्यूटी हो जाए ऑफ द स्किन, या तो स्किन की या म्यूकस मेम्ब्रेन की और टिश्यू, इसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी हो जाए, कारण उसका जो है वो क्या रहे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कोई भी कारण जो हो सकता है, और इस कारण की वजह से अगर स्किन के अंदर जो है वो किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी अपने को देखने को मिलती है तो उसी को अपन जो है वो बोलते हैं वुंड। अब बात कर रहे हैं अपन की स्किन के अंदर, तो स्किन की क्या क्या लेयर होती है, तो आपके सामने जो एक स्ट्रक्चर दे रखा है स्किन का, जनरली अपन जो है वो 7वीं 8वीं क्लास से इस स्ट्रक्चर को जो है वो अपन देखते आ रहे हैं कि क्या कुछ होता है। तो इसके अंदर स्किन की जो है वो लेयर के बारे में जो डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आउटर टू इनर किस प्रकार से जो सारी की सारी जो लेयर चलती है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब ये वाला डायग्राम तो अपन शुरू से ही देखते आ रहे हैं, आइए अपन चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कि इसके अंदर जो है अपन स्किन को जो किस प्रकार से जो है वो देख सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो यही सेम टू सेम इमेज जो आ चुकी है, और किस प्रकार से जो अपनी स्किन का जो है वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन होता है उसको जो है वो अपन पूरा का पूरा आज जो है वो डीपली जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, क्या कुछ स्किन के अंदर होता है पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं शुरुआत में, शुरुआत में बात करें तो सबसे ऊपर की तरफ जो आपको ये दिख रहा है, ये जो अभी हाइलाइटेड हुए हैं, ये जो है वो होते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स, इनको अपन जो है वो बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स, और हेयर जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं अपनी स्किन के ऊपर, सबसे ऊपर जो होते हैं आपके हेयर्स। हेयर के बाद में बात करें अपन तो अपनी स्किन होती है, तो सबसे पहली जो है वो लेयर आती है यहाँ पे आपकी स्क्रीन की, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये जो है वो आपकी स्किन की फर्स्ट वन लेयर, और सबसे ऊपर की लेयर जो होती है ये होती है। उसके बाद में जो है वो सेकंड वन लेयर आती है आपकी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, सॉरी सेकंड वन जो है वो आपकी आएगी स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और कॉर्नियम के बाद में सेकंड वन जो है आपकी आ जाएगी स्ट्रेटम ल्यूसिडम। तो फर्स्ट वन जो ऊपर की लेयर है इसको अपन जो है बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, और इसके बाद में देखिएगा ये नीचे की तरफ, इसके कॉर्नियम के नीचे की तरफ जो दिख रही है आपको ये वाली जो है वो लेयर है आपकी स्ट्रेटम ल्यूसिडम। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाद में जो थर्ड वन आपको नीचे की तरफ ये वाली जो लेयर दिख रही है इसको अपन बोलते हैं ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, और उसके बाद में देखिएगा ग्रैनुलोसम के बाद में जो नीचे की तरफ आपको एक लेयर और दिख रही है इसको अपन जो है वो बोलते हैं बेसल लेयर। कई जगह पे जो आपको जर्मिनेटिवियम भी जो है वो लिखा हुआ मिलेगा, तो जर्मिनेटिवियम भी बोल सकते हैं या फिर जो इसको अपन बोलेंगे बेसल लेयर। तो ये आपकी जो है वो सबसे ऊपर की जो स्ट्रक्चर होगी जिसको अपन जो बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जो जनरली आप अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो वो पांच आपको जो क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं उनके बारे में अभी अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे ऊपर की तरफ जो आपकी लेयर हो गई है ये जो हो गई यहाँ तक जो हो गई आपकी हो गई है वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में जो आता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिडर्मिस को जो है वो डर्मिस से अलग करने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर को जो है वो अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर जो आपको सामने सुनाई दे रही है या दिखाई दे रही है उसको जो अपन बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ देखिएगा जो होता है वो होती है आपकी डर्मिस लेयर। ये जो आपकी है अभी जो हाईलाइटेड है ये जो डर्मिस लेयर है इसको अपन बोलते हैं आपकी पेपिलरी डर्मिस, इस लेयर को अपन बोलते हैं पेपिलरी डर्मिस। और यहीं से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि नर्व एंडिंग कहाँ पे होती है, तो नर्व एंडिंग जो होती है वो अपने को देखने को मिलती है हमेशा पेपिलरी डर्मिस में। अब अपन कहेंगे नर्व एंडिंग क्या है, तो ये वाली जो आपकी जो दिख रही है ये नर्व रूट है,
ये वाला जो हाईलाइटेड पार्ट टू आपके सामने दिख रहा है, ये आपका नर्व रूट है, और यही जो है वो आपकी क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है। नेक्स्ट वन बात करें तो पेपिलरी डर्मिस के बाद में जो नीचे की तरफ एक थिक लेयर आती है, और इस थिक लेयर को जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और इस थिक लेयर को जो है वो अपन बोलते हैं रेटिकुलर डर्मिस। दो प्रकार की डर्मिस होती है, ऊपर की तरफ आउटर से इनर की तरफ अगर बॉडी में जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको ये वाली पेपिलरी डर्मिस, और उसके बाद में अंदर की तरफ जो आपको देखने को मिलेगी रेटिकुलर डर्मिस। तो दो हो गई आपकी डर्मिस लेयर, और डर्मिस के बाद में जो और अपन अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जो आपकी आती है ये वाली जो हाइलाइटेड जो आपको दिख रही है, ये जो है वो आपकी कहलाती है सबक्यूटेनियस। इस लेयर को अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस, या फिर इसी के लिए जो एक वर्ड यूज होता है हाइपोडर्मिस। तो या तो अपन इसको सबक्यूटेनियस बोलेंगे, और या फिर इसको अपन बोलेंगे हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद में जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ये आपके सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू आ जाएंगे, और फैट टिश्यू के बाद में नीचे जो आपकी आ जाएगी मसल्स। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा जो अपना स्किन का जो है वो सेटअप रहता है, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा और अगर अपन बात करें स्किन में, तो स्किन में आप देख रहे हैं कि आपका जो है वो हेयर फॉलिकल है, इस प्रकार से जो हेयर है, और हेयर फॉलिकल जो है वो आकर के एंड अप होते हैं आपके रेटिकुलर डर्मिस के अंदर। ये जो है वो इसको अपन जो बोलते हैं रूट, ये वाला हिस्सा जो आपका कहलाता है रूट ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, और ये वाला जो है वो कहलाता है आपका सेबम। सेबम अपन देखते हैं कि स्किन जो ऑयली होती है, तो स्किन को ऑयली करने के लिए जो एक सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन को अपन बोलते हैं सेबम। तो ये वाला जो कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर जो है वो क्या भरा होता है, सेबम जो है वो भरा होता है। सीबेसियस ग्लैंड जो है वो आपके सामने दिख रही है, ये जो अभी ये सीबेसियस ग्लैंड है, और सीबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है आपका होता है सेबम। तो इस प्रकार से जो पूरी की पूरी आपकी जो है वो स्किन की लेयर होती है। तो बात करें अपन आउटर से इनर की तरफ, तो आउटर के अंदर जो फर्स्ट वन अपन ने लेयर की बात की थी, तो फर्स्ट वन लेयर जो थी वो आपकी थी स्ट्रेटम कॉर्नियम। कॉर्नियम के बाद में जो सेकंड वन लेयर आई थी आपकी, उसको अपन ने बोला था ल्यूसिडम। ल्यूसिडम ल्यूसिडम के बाद में थर्ड वन जो लेयर आई थी वो आई थी आपकी ग्रैनुलोसम। ग्रैनुलोसम के बाद में जो फोर्थ वन आपकी जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं बेसल, और बेसल और ग्रेनुलोसम के बीच में जो है वो होती है आपकी जर्मिनेटिवम लेयर, और इसके बाद में जो आ जाती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में आती है आपकी पेपिलरी डर्मिस। पेपिलरी डर्मिस के बाद में जो आता है आपका रेटिकुलर डर्मिस। रेटिकुलर डर्मिस के बाद में जो आती है आपकी सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये पूरा का पूरा जो है वो अपना हो गया स्किन का फॉर्मेशन, की किस प्रकार से जो वो स्किन बनी हुई होती है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो से जो है वो पूरा का पूरा पता चल गया होगा कि किस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर जो है वो स्किन जो है वो बनी हुई होती है। तो सेम टू सेम जो है वो स्ट्रक्चर अपने सामने अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो है वो लेयर है आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे ऊपर जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके बाद में ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पॉन्जिसम एंड बेसल। तो इस प्रकार से जो आपकी पूरी की पूरी जो है वो होती है। स्पॉन्जिसम के लिए जो है वो जर्मिनेटिवम वर्ड जो है वो यूज होता है। स्पंजिसम को अपन जो है वो जर्मिनेटिवम वर्ड के साथ में भी जो है वो बोलते हैं। उसके बाद में ये होगी आपकी पूरी की पूरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में जो आपकी आ जाएगी डर्मिस, फिर आ जाएगी आपकी हाइपोडर्मिस। तो इस प्रकार से जो आपका पूरा का पूरा जो स्किन का फॉर्मेशन होता है, और स्किन के अंदर जो है वो किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है तो उसको जो अपन बोलते हैं वुंड। तो क्या कुछ वुंड होता है उसके बारे में आइए अपन डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ वुंड की, कि कब कौन से टाइप का जो है वो वुंड अपने को देखने को मिलता है, या किस हर एक वुंड को अपन किस प्रकार से जो नॉमिनेट करेंगे उसके बारे में जो अपन पूरी की पूरी यहाँ पे बात करेंगे। आइए फर्स्ट वन जो आपके सामने दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो है वो एक प्रकार से एरिया जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया आपका ओपन हो गया है। तो ये जो आपका ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया को जो है वो अपन बोलते हैं ओपन वुंड। ये जो आपका क्या कहलाता है ओपन वुंड। सेकंड वन बात करेंगे, अब देखिएगा सेकंड वन इस इमेज के अंदर खरोंच तो लगी है, लेकिन जो किसी प्रकार का जो वाइड ओपनिंग नहीं हुई है, जो स्किन है वो दोनों एक दूसरे से आसपास में है, तो इसको जो है वो अपन क्या बोलते हैं क्लोज वुंड। नेक्स्ट वन बात करते हैं थर्ड वन, ये आता है आपका क्लीन वुंड। जनरली आपने देखा होगा कि कभी किसी दरवाजे के बीच में या कहीं पे अपनी अंगुली आ जाती है तो वो रेडनेस हो जाती है पूरी, तो ये जो वुंड होता है इसको अपन बोलते हैं क्लीन वुंड। इसमें किसी प्रकार का ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है। अब अगर अपन कहीं बाइक या साइकिल वगैरह से जा रहे हैं और नीचे गिर गए, तो जो खरोच आती है उस खरोच को अपन बोलते हैं एब्रेजन।
सरोज के लिए वर्ड क्या यूज में लेते हैं अपन, एब्रेजन वर्ड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट वन बात करें कंटामिनेटेड वुंड, तो देखिएगा दो प्रकार के वुंड होते हैं, एक जो होता है वो होता है आपका सेप्टिक वुंड, एक वुंड जो होता है वो होता है आपका सेप्टिक वुंड। और एक होता है आपका एसेप्टिक वुंड। एक होता है आपका सेप्टिक वुंड और एक जो होता है वो होता है आपका असेप्टिक वुंड। तो दोनों के अंदर जो है वो क्या फर्क है इसके बारे में जो अपन बात करेंगे। देखिएगा कोई पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर किसी प्रकार की सर्जरी चल रही है, तो सर्जरी के लिए जो है वो अपन देखते हैं कि सर्जन जो है वो एक पूरे के पूरे स्टराइल फील्ड के अंदर जो एक वुंड को क्रिएट करता है, तो वो वुंड जो होता है वो आपका कहलाता है एसेप्टिक वुंड, यानी कि इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस फ्लूड जो है वो आपका एसेप्टिक वुंड होता है, और सेप्टिक वुंड वो होता है जिसके अंदर जो क्या हो जाता है आपका इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्टेड वुंड है या फिर जिसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो गया है, डेब्रीज आ गई है, उसको जो है वो अपन बोलते हैं सेप्टिक वुंड या फिर इन्फेक्टेड वुंड। तो दो प्रकार के आपके वुंड हो गए, एक हो गया आपका सेप्टिक वुंड और एक हो गया आपका असेप्टिक वुंड। एक वुंड की और बात करें तो एक वुंड होता है पंक्चर वुंड, एक जो होता है वो होता है आपका पंक्चर वुंड। तो पंक्चर वुंड क्या है, तो पंक्चर वुंड है कि आप गए पेशेंट के इंजेक्शन लगा रहे तो जहां से आप इंजेक्शन के लिए नीडल को इंसर्ट करेंगे वो जो है वो आपका कहलाएगा पंक्चर वुंड। तो ये तीन आपके जो है वो और टाइप हो गए कि कौन सा किस टाइप का जो है वो वुंड होता है। तो अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वुंड की, और टाइप्स ऑफ वुंड में देखिएगा नेक्स्ट वन, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा कंटामिनेटेड वुंड है। इसके अंदर जो ब्लैकनेस जो आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लैकनेस जो है वो डेड सेल्स है या फिर डेड टिश्यू है, डेब्रीज इनको अपन बोलते हैं जनरली। और एक प्रोसेस होता है डिब्राइडमेंट, इन चीजों को जो है वो या डेड टिश्यू को या डेब्रीज को जो है वो रिमूव करने के लिए डिब्राइडमेंट करके एक जो प्रोसेस होता है ड्रेसिंग के दौरान जो जनरली अपन इसको परफॉर्म करते हैं, तो डिब्राइडमेंट कर सकते हैं। अभी अपन ने जो एसेप्टिक वुंड की बात की थी उसी के लिए वर्ड यूज में ले सकते हैं अपन इंसिजन वुंड। देख रहे हैं कि अपन जो स्क्लेपल के सहायता से जो है वो एक सर्जिकल ब्लेड के थ्रू एक वुंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये जो वुंड होता है आपका क्या कहलाता है इंसिजनल वुंड। नेक्स्ट वन बात करते हैं लिक्रिएशन। देखिएगा इस प्रकार से पूरा का पूरा अगर वुंड जो है वो फट जाए, स्किन फट जाए, तो उसको अपन लिक्रिएशन बोलते हैं। ब्रुइजेस, कहीं पे अगर हल्का हल्का दाना आ जाए बिना खरोच के जो है वो, अगर स्किन के अंदर जो है वो एपिडर्मिस में कुछ एक ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसको जो है अपन बोलते हैं ब्रुइजेस। पंक्चर, अगर किसी प्रकार से जो पूरा का पूरा इसमें से जो निकल गया है या फिर कोई चीज जो इसमें आकर के फंस गई है, अभी अपन ने जैसा बात की थी निडल वगैरह के थ्रू जो वुंड होता है उसको अपन बोलते हैं पंक्चर वुंड। नेक्स्ट वन है एम्पुटेशन, कोई हिस्सा अगर कट करके अलग हो जाए तो उस चीज के लिए जो अपन वर्ड यूज में लेते हैं एम्पुटेशन। तो ये कुछ एक आपके टाइप्स हो गए वुंड के, कुछ एक टर्मिनोलॉजी और है जिनसे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट वन इज द कंट्यूजन। कंट्यूजन में क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है उन कैपिलरीज के अंदर जो है वो कुछ एक जो है वो ब्लीडिंग हो जाए, और जैसे ही ब्लीडिंग होगी तो उस चीज को अपन जो बोलेंगे कंट्यूजन। ब्लड इकट्ठा हो जाएगा कैपिलरीज से बाहर आकर के तो उसको अपन बोलेंगे कंट्यूजन। हीमेटोमा, जनरली जो है वो ब्रेन इंजुरी के अंदर जो अपने को कंट्यूजन वर्ड जो है वो सुनने को मिलता है हीमेटोमा। अब जहां पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है कैपिलरी से बाहर आकर के वहां उसको अपन जो हीमेटोमा बोल लेते हैं। हीमेटोमा जो आपका स्पॉन्जी होता है, रबरी होता है और लंपी फीलिंग के साथ में होता है, तो ये जो आपका कहलाता है हिमेटोमा। और थर्ड वन है इकाइमोसिस, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। अब ब्लड आकर के जहां जमा होगा तो अपन देखते हैं कि हल्का नीला नीले कलर का जो है वो डिस्कलरेशन अपने को दिखाई देता है, तो उसको अपन जो बोलते हैं इकाइमोसिस। तो तीन वर्ड है कंट्यूजन, हिमेटोमा एंड इकाइमोसिस। आगे कुछ एक टॉपिक आएंगे जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आईवी थेरेपी करेंगे तो वहाँ पे हिमेटोमा वगैरह जो है वो अपन एज ए कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम में कंट्यूजन वर्ड इकाइमोसिस रेकनाइज करके एक जो है वो साइन होता है उनके अंदर जो पूरा का पूरा इन तीनों के तीनों टर्मिनोलॉजी को अपन आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। तो स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग के अंदर जो है वो
अब अपने को करना क्या है कि अपने टाइप्स ऑफ वुंड तो पढ़ लिया, एक वुंड का क्रिएशन हो गया, तो वो वुंड जो है वो वापस ठीक कैसे होगा, तो वो वुंड ठीक होता है उसकी प्रोसेस को जो है अपन बोलते हैं वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग के कुछ एक फेज होते हैं, तो क्या कुछ इसके जो है फेज होते हैं और किस प्रकार से जो वुंड हीलिंग होती है उसके बारे में पूरा का पूरा अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्या कुछ रहता है, आइए फिर से अपन जो है वो एक बार अपन एक वीडियो देखेंगे और वीडियो की सहायता से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो वुंड हीलिंग अपने को जो देखने को मिलेगी। देखिए वीडियो के अंदर हैंड है और हैंड के अंदर देखिएगा, जैसे कट लगता है तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड आता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, उसके बाद में जो है वो मास्ट सेल आती है, हिस्टामिन को रिलीज करती है और जैसे हिस्टामिन रिलीज होता है तो ये आएंगे और आकर के जो है वो अडेयर हो जाएंगे। मार्सेली जो जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे उन बैक्टीरियाज वगैरह को भी जो है वो क्या कर लेगी, किल कर लेगी, फिर जो है फाइब्रस टिश्यू का जो है वो फॉर्मेशन होगा और ये देखेगा ये कोलेजन फाइबर का जो फॉर्मेशन हो रहा है और फॉर्मेशन होने के बाद में जो है वो धीरे धीरे जो आपका वुंड जो है वापस क्लीन हो जाएगा और स्किन जो है वो आपकी पहले जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। तो ये अपन ने जो है वो डिस्कस किया अबाउट द वुंड हीलिंग के किस प्रकार से जो वो वुंड हीलिंग का प्रोसीजर होता है और कैसे आपको जो है वुंड हीलिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो बात करें वुंड हीलिंग की, तो वुंड हीलिंग के जो चार फेज है आपके सामने और चारों फेज आपने लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज द हीमोस्टेसिस फेज, या फिर इसी को अपन एग्जुडेटिव फेज भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं अपन इसको इन्फ्लामेटरी फेज। सेकेंड वन जो है वो इन्फ्लामेशन प्रोलिफरेशन एंड टिश्यू रिपेयर का। तो क्या कुछ फेजेज होते हैं वुंड हीलिंग के, आइए अपन इनके बारे में जो पूरा का पूरा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो मैन अगर अपन हेडिंग की बात करें तो आपकी हेडिंग है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग, तो वुंड हीलिंग के जो अपने को चार फेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका इन्फ्लामेटरी फेज। फर्स्ट वन इज द इन्फ्लामेटरी फेज। अब इन्फ्लामेटरी फेज के लिए जो है वो वर्ड यूज होता है एग्जुडेटिव। इन्फ्लामेटरी फेज को ही जो अपन बोलते हैं एग्जुडेटिव फेज। अब देखिएगा इन्फ्लामेटरी फेज है या एग्जुडेटिव फेज है तो इसमें पता चलेगा कि इसी के अंदर जो है वो इंजुरी अकर्स होगी, इसी के अंदर जो क्या होगा अपनी इंजुरी अकर्स, इसी फेज के अंदर इंजुरी होगी। और जैसे ही इंजुरी होती है तो इंजुरी के जो है वो कार्डिनल साइन अपने को या इन्फ्लामेशन के जो है वो कार्डिनल साइन अपने को देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अपने जो आ जाएगी रेडनेस, वार्म, पेन, इंक्रीज टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो जनरली इनको जो अपन बोलते हैं फाइव कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन के। इन्फ्लामेशन के कौन पांच कौन कौन से साइन है, तो इन्फ्लामेशन के पांच साइन आपका फर्स्ट वन इज द रेडनेस, सेकंड वन इज वार्म, पेन, टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये जो है वो पांच के पांच, अच्छा रेड वार्म और टेम्परेचर दोनों है की है एडिमा, फिफ्थ वन जो आपका हो जाएगा यहाँ पे एडिमा। तो इस प्रकार से जो आपको जो है वो पांच जो आपको कार्डिनल साइन देखने को मिलते हैं वुंड हीलिंग के। जनरली बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन जब भी होगी तो पांच वहां पे आपको जो साइन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन जो है वो हमेशा जो है वो आपका रहता है रेडनेस, वार्म, पेन, एडिमा एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये पांचों के पांचों जो आपको इन्फ्लामेटरी या फिर एग्जुडेटिव फेज के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। अब इसी फेज के अंदर जो एक सबसे स्पेशल जो है वो चीज होती है और उसको अपन बोलते हैं वेजोडाइलेशन। पेशेंट के अंदर जो आपको क्या देखने को मिलेगा,
वेजो डायलेशन। अब ये वेजो डायलेशन कहाँ होगा, तो ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन हो रहा है, पर्टिकुलर जिस हिस्से के ऊपर जो है वो इंजरी हुई है उसी इंजरी वाले पार्ट के अंदर जो अपने को क्या देखने को मिलेगा, वेजो डायलेशन। अब जैसे ही वेजो डायलेशन होगा, मान लीजिएगा कि ये जो है वो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे जो है वो चोट लगी है, ये एक वुंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होगी ये डायलेट होगी, तो जैसे ही डायलेट होगी तो यहाँ पे खूब सारी जो है वो प्लेटलेट्स आएगी, प्लेटलेट्स आकर के जो पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एग्रीगेट हो जाएगी, और जैसे ही प्लेटलेट एग्रीगेट होगी तो यहाँ पे एक जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर काम करेंगे और एक नेट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही नेट का फॉर्मेशन होगा तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। तो एक तो वेजो डायलेशन होता है, सेकेंड वन जो है वो हिस्टामिन रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज। तो जब भी आपका फर्स्ट वन फेज इंफ्लामेटरी फेज होगा तो उसके अंदर जो है वो आपका हिस्टामिन रिलीज होगा और साथ ही साथ में वेजो डायलेशन होगा। अब इसमें टाइम कितना लगता है, तो इंजरी टू फोर आर जब चोट लगी है उससे लेकर के जो है वो 4 घंटे तक का जो है वो आपको जो टाइम है वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब चोट लगती है तो चोट से लेकर के 4 घंटे तक के टाइम में जो है वो आपका फर्स्ट वन जो है वो आपका देखने को मिलता है। जनरली जो है वो 24 घंटे इसके लिए अपन बोलते हैं कि फर्स्ट 24 घंटे के अंदर जो है वो इंफ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो जनरेट होता है। उसके बाद में जो आपका सेकेंड वन फेज आता है, और सेकेंड वन फेज को जो अपन बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। सेकेंड वन फेज होता है आपका वुंड हीलिंग का, इसको अपन बोलते हैं प्रोलिपरेटिव फेज। प्रोलिपरेटिव फेज जो होता है वो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 3 to 5 days, 3 to 5 days। इसके अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और उसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलस टिश्यू फॉर्मेशन। उससे ना रखा है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन वुंड हीलिंग के कौन से फेज में होता है, तो ये आपका हमेशा प्रोलिपरेटिव फेज को अपन बोलते हैं। और इसी के अंदर जो सेलुलर रिपेयरिंग का काम जो है वो चालू हो जाता है, सेलुलर रिपेयरिंग का फेज जो है वो चालू हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि वुंड हीलिंग स्टार्ट्स, तो वुंड हीलिंग स्टार्ट्स इसी फेज के अंदर होती है। बहुत सारे स्टार लगा करके जो आप लिख सकते हैं वुंड हीलिंग स्टार्ट्स, वुंड हीलिंग जो है वो स्टार्ट होती है आपके प्रोलिपरेटिव फेज के अंदर। तो ये जो है वो आपका होता है, इसके अंदर जो है वो आपके ग्रैनुलस टिश्यू होते हैं, और ये टिश्यू जो होते हैं इन्हीं टिश्यू को जनरली अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यही टिश्यू जो है आपके क्या कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू। कि ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या है, तो एक प्रकार का ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसको जो है यहाँ पे अपन बोलते हैं ग्रैनुलस टिश्यू बोलते हैं। सेलुलर रिपेयर होती है इसके अंदर, वुंड हीलिंग होती है, म्यूकस कलेक्शन होता है। तो ये सारा का सारा जो आपका हो जाएगा थर्ड वन फेज। और नेक्स्ट वन बात करते हैं, तो नेक्स्ट वन जो है वो आता है आपका फोर्थ वन फेज, जिसको अपन बोलते हैं फाइब्रो इलास्टिक स्टेज। फोर्थ वन जो है वो आपकी होती है फाइब्रो इलास्टिक फेज। देखिए फर्स्ट वन होगी आपकी इंफ्लामेटरी फेज, सेकेंड वन जो है वो आपका हो गया प्रोलिपरेटिव, और थर्ड वन जो है वो आपका हो गया फाइब्रो इलास्टिक फेज, फाइब्रो ब्लास्टिक फेज। और फाइब्रोप्लास्टिक फेज जो होता है वो आपका 2 to 4 weeks तक चलता है, और इसके अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। हालांकि कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट जो होता है वो प्रोलिपरेटिव फेज में होता है, लेकिन कंप्लीटली जो है वो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का एकदम से जो है फॉर्मेशन कंप्लीटली हो जाता है। तो ये जो है वो आपका हो जाता है थर्ड वन फेज। और नेक्स्ट वन जो है वो फोर्थ वन आता है आपका मैच्यूरेशन फेज, फोर्थ वन इज द मैच्यूरेशन फेज। अब मैच्यूरेशन फेज जो होता है वो आपका 6 to 12 months तक चलता है, मैच्यूरेशन फेज जो 6 to 12 months तक जो है वो चलता है। इसमें ये वो स्कार का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे जो स्किन, जैसे आपकी पहले इंटैक्ट नॉर्मल स्किन थी वैसी स्किन का जो फॉर्मेशन फिर से जो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो है वो आपके 4 phases हो गए हैं। फर्स्ट वन जो था वो आपका था इंफ्लामेटरी फेज, सेकेंड वन इज द प्रोलिपरेटिव फेज, थर्ड वन इज
फाइब्रोब्लास्टिक फेज एंड फोर्थ वन इज द मैच्यूरेशन फेज। इन चार फेज के अंदर जो है वो हमेशा आपकी जो है वो मून डीलिंग होती है। क्वेश्चन जो है वो हमेशा बनने के चांसेस रहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज की ग्रैनुलस टिश्यू का जो है वो फॉर्मेशन कौन से फेज में होता है, तो ग्रैनुलस टिश्यू का फॉर्मेशन हमेशा प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। क्वेश्चन बनता है कि वुंड हीलिंग कब स्टार्ट होती है, तो थर्ड डे, याद रखिएगा तीसरे दिन जो है वो वुंड हीलिंग जो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यह था आपका वुंड हीलिंग के बारे में। नेक्स्ट वन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। तो अब देखिएगा प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग होने के जो है वो कुछ एक इंटेंशन होता है जिनको अपन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इंटेंशन बोलते हैं। तो तीनों में क्या कुछ होता है, तो आइए बात करते हैं प्राइमरी इंटेंशन की। द वुंड इन विच द स्किन एज आर क्लोज टूगेदर एंड मिनिमल। अब देखिए कोई वुंड है जिसके अंदर मान लीजिएगा कि चोट लगी है, लेकिन जो दोनों एज है वो एक दूसरे से क्या है, पास में है। तो इस प्रकार के जो वुंड होता है उसके अंदर अपन जो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो स्टेपल या सूचरिंग करके इसको जो अपन क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और यहीं पे जो है वो दोनों स्किन आपस के अंदर जुड़ करके जो है वो क्या कर लेती है, वापस हीलिंग की प्रोसेस जो स्टार्ट कर लेती है। तो इस प्रकार की अगर वुंड हीलिंग होती है तो उसको अपन जो बोलते हैं, वो बोलते हैं प्राइमरी इंटेंशन। बात करते हैं सेकेंड इंटेंशन। तो इसके अंदर जो वुंड एज है वो एक दूसरे से पास में नहीं होंगे। मान लीजिएगा कि वुंड एज जो है वो एक दूसरे से क्या है, दूर है, तो इसके अंदर जो है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड वन फेज में जो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू का। और बात करें अपन टर्शरी, तो टर्शरी के अंदर जो है वो प्राइमरी वुंड गेट इन्फेक्टेड। अब आपका जो वुंड है वो जो है क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है। और हैविंग प्रूरलेंट डिस्चार्ज, प्रूरलेंट जो होता है वो इन्फेक्शियस डिस्चार्ज होता है, हैविंग प्रूरलेंट डिस्चार्ज। और ऐसे वुंड को जो वो अपन ओपन रखते हैं जिससे कि जो भी अंदर इन्फेक्शियस फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है ड्रेन हो जाए, और उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होने के जो चांसेज है वो कम हो जाए। तो देखिएगा अपन ने पढ़ा है, तीन इंटेंशन पढ़े हैं, तो तीनों इंटेंशन को आइए एक बार अपन जनरली समझ लेते हैं। बात करते हैं अपन प्राइमरी की। तो प्राइमरी इंटेंशन में क्या था कि मान लीजिएगा कि चोट लगी है, तो चोट लगने के बाद जो है वो वुंड के जो दोनों एज है वो एक दूसरे से क्या है, पास में है। तो अगर एज एक दूसरे के पास में होंगे तो अपन इसको सूचरिंग या ग्लू वगैरह को यूज में लेकर के एक दूसरे से वापस क्या कर लेंगे, अपन पैक कर लेंगे। तो ये जो हीलिंग होगी इसके अंदर देखिएगा ग्रेनुलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन होने की जरूरत नहीं है। ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कहाँ होता है, जहाँ पे जो बड़ा घाव होता है, तो वहाँ पे एक नया टिश्यू बनाना पड़ेगा, तभी जो दोनों स्किन है वो आपस में जुड़ पाएगी। तो प्राइमरी इंटेंशन से जो वुंड हीलिंग होती है उसके अंदर जो है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, या डायरेक्ट जो स्किन ही आपस में एक दूसरे से क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाती है। जनरली अपन देखते हैं घर में चाकू वगैरह से लगता है तो वो जो आपस के अंदर जो दोनों स्किन जो है वो जुड़ जाती है, तो वो होता है आपका प्राइमरी इंटेंशन। बात करें अपन सेकेंडरी इंटेंशन की, तो सेकेंड इंटेंशन में जो वुंड के जो एज है वो एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है। अब दूर होंगे तो ये बीच का जो गैप भरने के लिए यहाँ पे जो है वो आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। इस गैप को भरने के लिए जो है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू का जो फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और टर्शरी की बात करें अपन, तो टर्शरी वुंड हीलिंग के अंदर जो है वो अगर इनमें से कोई भी अगर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो इन्फेक्शन होगा, तो वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा, एक्जुडेट प्रूलेंट फ्लूड जो है वो अपने को वहाँ पे देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो उसकी जो हीलिंग होगी, तो पहले वहाँ पे इन्फ्लामेशन खत्म होगा और उसके बाद में जो हीलिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये आपका जो थर्ड वन टाइप हो गया जिसको अपन बोलेंगे हीलिंग बाय टर्शरी इंटेंशन। तो तीन प्रकार के इंटेंशन से जो है वो आपकी जो है वो वुंड हीलिंग जो अपने को देखने को मिलती है। तो ये आपके जो है वो हो गए तीनों के तीनों वुंड हीलिंग के, कि किस प्रकार से जो है वो वुंड हीलिंग आपको देखने को मिलेगी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आज की क्लास के अंदर जो अपन ने डिस्कस किया है लेयर्स ऑफ स्किन, तो आइए एक बार लेयर्स ऑफ स्किन में जो आपको रिवाइज कर देता हूँ। बात करें अपन स्किन की, तो स्किन के अंदर अगर अपन आउटर से इनर की तरफ बात करेंगे, तो आउटर से इनर की तरफ जो है वो आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट वन सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं
एपिडर्मिस। फर्स्ट वन जो होती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस लेयर, और सेकंड वन जो होती है वो होती है आपकी डर्मिस लेयर, और थर्ड वन जो होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मिस लेयर। तो तीन प्रकार की जो आपकी लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अपन ने बात किया था कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये पांच पार्ट्स के अंदर होती है। एपिडर्मिस लेयर जो हो जाएगी आपकी पांच पार्ट्स में। तो कौन कौन से पांच पार्ट्स होते हैं एपिडर्मिस लेयर के, तो फर्स्ट वन बात करते हैं अपन, सबका जो है वो शुरुआत जो होती है वो स्ट्रेटम वर्ड से होती है। सबकी स्पेलिंग की जो शुरुआत है वो होगी आपकी स्ट्रेटम में। तो फर्स्ट वन लेयर जो होती है वो होती है आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड वन जो होती है वो होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड वन जो होती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ वन जो लेयर होती है वो आती है आपकी स्पॉन्जिसम, या फिर जो है वो आपको जर्मिनेटिवम भी वर्ड इसके लिए जर्मिनेटिवम वर्ड भी जो है वो आपको इसके लिए देखने को मिलता है, और लास्ट वन जो होती है वो होती है आपकी बेसल। तो ये पांच जो होती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस लेयर की, स्किन की सबसे बाहर की। एक दो बार क्वेश्चन आया कि इनकी सीक्वेंस बताइए कि किस सीक्वेंस में है, कौन से सीक्वेंस इसकी सही है और कौन से सीक्वेंस इसकी गलत है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो है वो बन चुका है। तो कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पॉन्जिसम एंड बेसल। तो ये पांच होती है, अगर याद रखना हो आपको तो CLG GS, ठीक है। कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, जर्मिनेटिवम एंड स्पॉन्जिसम या फिर बेसल GB। तो ये जो है आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं डर्मिस लेयर की। तो डर्मिस अपन ने बात किया कि दो प्रकार की डर्मिस होती है। पहले अगर ऊपर की तरफ बात करें आउटर की तरफ, तो पेपिलरी ऊपर की तरफ जो आपकी हो जाएगी पेपिलरी डर्मिस, और उसके बाद में जो इंटरनल है वो हो जाएगी आपकी रेटिकुलर डर्मिस। तो दो प्रकार की डर्मिस लेयर आपको देखने को मिलेगी, पेपिलरी और रेटिकुलर। उसके बाद में बात करता है तो नेक्स्ट वन जो है आपकी आती है हाइपोडर्मिस, और इसी के लिए जो अपन वर्ड यूज में लेते हैं सबक्यूटेनियस। हाइपोडर्मिस के लिए जो है वर्ड क्या यूज में लेते हैं अपन, सबक्यूटेनियस लेयर जो है अपन यूज में लेते हैं। ये जो है एक प्रकार के फैट टिश्यू होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं। इनके नीचे जो है वो होती है आपकी मसल्स, इनके नीचे की तरफ जो है वो आपकी हो जाएगी मसल्स, और मसल्स के नीचे जो होती है वो होती है आपकी बोन। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर चलता है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक जो है वो अपनी स्किन होती है। कई बार जो वो स्किन के पार्ट्स जो है पूछे गए हैं, और UPSC एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको कोई एग्जाम के अंदर जो है वो स्किन के जो है वो पार्ट्स के बारे में जो पूछने को मिल जाए। तो ये सारा कुछ जो है वो था आपका स्किन के बारे में और वुंड हीलिंग के बारे में, कि क्या कुछ जो है वो वुंड हीलिंग होता है। तो इसके बारे में जो अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वन जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वन टॉपिक फर्स्ट एड ही जो अपना मेन टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट वन अपन ने जो फर्स्ट एड के इंट्रोडक्शन में बात की थी, सेकेंड वन जो है वो फर्स्ट एड से रिलेटेड जो वुंड को ही अपन केयर करनी है फर्स्ट एड के अंदर, तो वुंड हीलिंग से रिलेटेड और वुंड के टाइप के बारे में जो अपन ने बात की है। ज़्यादा डीप में अपन इसमें नहीं गए हैं क्योंकि UPSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपन जो पूरा का पूरा इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन आपको जो है वो नेक्स्ट वन टॉपिक अपना रहेगा बैंडेजिंग, किस प्रकार से बैंडेजिंग होती है और टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग क्या कुछ रहता है, और किस प्रकार से आपको जो है वो बैंडेजिंग परफॉर्म करना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, उन सब के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। रही बात स्लाइड की, तो सारी की सारी स्लाइड जो है वो आपको यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही जो मिल जाएगी, आपको उसको जो है वो कॉपी करना है और ब्राउजर के अंदर जो है वो ओपन कर देना है, और ओपन करते ही साइड के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो उसको आप लाइफ टाइम अपने पास में डाउनलोड करके रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, तो खूब सारे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकेंगे उतना ही जो है वो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।
थैंक यू।